स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे सोलर पावर प्लांट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो सोलर पावर प्लांट मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ वो है सोलर सेल्स पे चलने वाला, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर वाला नहीं है। तो सोलर सेल से जो चलने वाले पावर प्लांट है उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला सोलर फोटोवोल्टिक, बेसिकली सोलर सेल। दूसरा इन्वर्टर, बिकॉज सोलर ये जो है ये DC बनाता है। DC ऐसा मतलब समझिए आपकी बैटरी जैसा, जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है वो बैटरी जैसा बनाता है। तो बैटरी से तो सिर्फ DC निकल रहा है, आपको AC चाहिए, तो एक इन्वर्टर लगाया जाता है जो DC को AC में बदल देता है। और इन्वर्टर के बाद ट्रांसफार्मर में डाला जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में से ही स्टेप अप करना आसान रहता है। मतलब आप स्टेप अप स्टेबलाइज ये इन्वर्टर से कर सकते हैं, लेकिन बहुत महंगा हो जाएगा, तो इसको ट्रांसफार्मर से करना ज़्यादा आसान पड़ता है। ट्रांसफार्मर से करने के बाद आप इसको ग्रिड में बेच सकते हैं, जैसे कि बाकी कोई पावर प्लांट, जैसे कोई कोल पावर प्लांट है या कोई वाटर हाइड्रो डैम है, बेसिकली डैम लगा हुआ है उससे बिजली बेची जा रही है, तो आप इसके बाद ग्रिड में बेचा जाता है। मीटरिंग यहाँ पर की जाएगी, यहाँ पर नहीं की जाएगी। मीटरिंग ग्रिड में जो आप बिजली डाल रहे हैं उससे हो रहा है। अब आइए देखते हैं सोलर सेल के बारे में। तो सोलर सेल के बारे में तीन फैक्टर होते हैं जो आपको समझना पड़ेगा। पहला फैक्टर है कि कितना रुपया वो पर वाट खा रहा है। 1980 से हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस टाइम पे 70-80 डॉलर तक पर वाट लग जाता था और सेल लंबे चलती भी नहीं थे। आज कल लगभग 10 रुपये से लेके 5 रुपये तक नीचे उतारा जा चुका है दाम ना। ये अभी और उतर सकता है, लेकिन बहुत नीचे नहीं उतरने वाला। मतलब आप इस पे मत उम्मीद कीजिए कि कल को ये 54 हो जाएगा, मतलब 1 वाट पे ये नीचे आएगा, लेकिन बहुत नीचे अब नहीं आ सकता। मतलब जो एक्सपोनेंशियल ड्रॉप हो रहा था वो अब नहीं हो पाएगा। तो ये दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2009 में लगभग 1 वाट के लिए लगभग $1.29 देना पड़ रहा था। 2015 में रफली आपको 0.42 देना पड़ता है। अभी तो ये उससे भी नीचे आ गया है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मतलब ये तेज़ी से नहीं उतर रहा है, अब धीरे धीरे उतरेगा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं हम लोग उस पॉइंट पे जहां और डेवलपमेंट नहीं हो सकता। दाम कम हो सकता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के से दाम बहुत घटाया जा सकता है, तो ये ऑब्वियसली घट जाएगा, लेकिन मतलब अब जमीन आसमान का अंतर अब आना नहीं है। अब आना है वो रिफाइन कर करके, जैसे पहले मोबाइल आते थे 40,000 के, तो अब 10,000 के आने लगे मास प्रोडक्शन के बाद, वैसा होने वाला है अब। फिर आते हैं इफिशियंसी के बारे में। इफिशियंसी से आपका सीधा फर्क पड़ेगा आपको कितना ज़मीन खरीदना है इसके लिए। जैसे मान लीजिए आपका 1 हेक्टेयर में, आपने 1 हेक्टेयर लिया, 100 मीटर बाय 100 मीटर का एक ज़मीन लिया, उससे 1 मेगावाट आप निकाल सकते हैं आराम से। तो आराम से निकालने के लिए आपको पैनल चाहिए जो कम से कम 25% इफिशियंट हो। आप बोल दें कि भैया सस्ते में निपटाने के लिए आपने 10% इफिशियंसी वाला पैनल ले लिया, लेकिन आपको ज़मीन दुगनी खरीदनी पड़ जाएगी। तो ज़मीन का दाम देखते हुए, अगर मान लीजिए ज़मीन सस्ते में मिला, आप रेगिस्तान में खरीद रहे हो, तो आप इफिशियंसी पे उतना ध्यान नहीं दो, क्योंकि इफिशियंट पैनल बहुत महंगे आते हैं, तो उससे कॉस्ट पर वाट बढ़ जाता है। लेकिन अगर ज़मीन का दाम भी आपको देखना है इसमें। फिर आता है लाइफ स्पैन, मतलब यार कितना दिन चलेगा। और ये सब समझिए बहुत कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ तो ऐसे लग जाते हैं इस पर में। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे कोई कोल का पावर प्लांट बनाता है तो उसको बनाया इसलिए जाता है कि भाई जिसने भी बनाया उसको पैसा वापस मिले। मतलब उसने 6,000 करोड़ डाला, तो मान लीजिए वो चाह रहा है कि भाई उसको 6,000 करोड़ प्लस प्रॉफिट मिले। नहीं मिलेगा तो भाई वो उतना पैसा बैंक में डाल देता, उसी इंटरेस्ट में ही उसका बहुत पैसा आ जाता, तो इसलिए उसको प्रॉफिट चाहिए, ज़रूरी है। गवर्नमेंट अपने दम पे अगर बना भी दे तो भी वो उसको प्रॉफिट चाहिए, नहीं तो वो टैक्स का मनी सीधा सीधा डूबता रहेगा उसमें। तो इस कारण से लाइफ स्पैन मैटर करता है। आप बनाओगे इस तरह का प्लांट जो इतना महंगा होगा, तो उसको कई साल चलना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉफिट आएगा वापस। तो पुराने सेल्स में हर साल 1% का लॉस होता था, मतलब 20 साल बाद आप समझिए 20% लॉस हो जाएगा। आजकल इतना इफिशियंट हो गया है कि आप मार्केट से सोलर सेल खरीद सकते हो, जिसमें आपको वारंटी दी जाएगी 25 साल तक का, कि 25 साल के बाद भी हमारा पैनल 80% आउटपुट पावर देगा, 3% प्लस एंड माइनस। तो आप इसका ऐसे समझिए, आपने 100 वाट का पैनल लिया, 25 साल बाद वो पैनल 80 वाट देगा, मतलब 25 साल तक आपका पावर आउटपुट है। तो इसलिए आजकल सोलर सेल्स जो बनाए जा रहे हैं वो सस्ते तो उतने नहीं हो रहे हैं, लेकिन इफिशेंसी बढ़ते जा रही है, लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है। इसलिए कोई भी अगर ये कैपिटल अपना मतलब पैसा लगा के बनाता है सोलर पावर प्लांट, वो प्रॉफिट में आ जाएगा, कुछ साल बाद आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज लगाया अगले दिन से उसका प्रॉफिट शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। तो उसको काफ़ी दिन रुकना पड़ेगा, कई साल का बिजली बेचने के बाद, तो उसके पास बस लैंड का खर्चा निकलेगा, उसके बाद सोलर सेल का खर्चा निकलेगा, इन्वर्टर मेंटेनेंस क्रू सब का, लेकिन 8-9 साल के बाद उसका प्रॉफिट में आने लग जाएगा। और ये सब सोलर पावर प्लांट बहुत जल्दी बनाए जा सकते हैं, मतलब 6-7 महीने में पट रेडी।
और इसमें दो और कंपोनेंट लगते हैं, जो कि है एक इन्वर्टर जो कि प्योर साइन वेव होना चाहिए। आप ग्रिड में ये बिजली डाल रहे हो, घर में पंखा नहीं चला रहे हो, ग्रिड में डालने के लिए आपके पास प्योर साइन वेव होना चाहिए, नहीं बिना उसके तो बात ही नहीं करना है, सोचना ही नहीं उसके बारे में। ये मतलब ये स्क्वायर वेव जो पुराना पंखे में ये मतलब आप इन्वर्टर से पंखा चलता है जो आवाज़ आता है वो आवाज़ इसके चलते आता है, ये नहीं होना चाहिए। ग्रिड में आप बिजली डाल रहे हो जो कि कोई भी यूज़ करेगा और ग्रिड के ट्रांसफार्मर उड़ जाएंगे अगर स्क्वायर वेव उसमें डालने लगे तो, इसलिए प्योर साइन वेव चाहिए। और प्योर साइन वेव जो हमारे इन्वर्टर्स बनते हैं एकदम 100% प्योर नहीं होते, तो वो प्योर करने के लिए हम लोग ये ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए स्टेप अप से वो और रिफाइन कर देता है, एकदम परफेक्ट लेवल तक पहुंचा देता है कि अब फर्क पता नहीं चलेगा। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स मतलब ऐसा नहीं कि इन्वर्टर आप नहीं ले सकते जो मतलब 400 वोल्ट या सीधे 10,000 वोल्ट आउटपुट ना दे सके, दे सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत महंगा हो जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर जो आपको लगाना ही पड़ेगा उसको प्योरीफाई करने के लिए, तो आप सीधे यही लगा दिया जाता है। फिर आइए दाम के बारे में हम समझते हैं कि मतलब क्या क्या तिगड़म यहाँ लगाया जा रहा है। सबसे पहला तिगड़म ये है ग्रिड पैरिटी, जिसका मतलब ये है कि क्या आप ग्रिड में जो बिजली बेच रहे हैं उसका दाम बाकी सबसे मैच कर रहा है कि नहीं। मतलब आप ऐसे समझिए, एक हाइड्रो पावर प्लांट है, उसने डैम बनाया, उसने जो खर्चा किया उसने बोला भैया मेरा 10,000 करोड़ लगा है। फिर एक कोल पावर प्लांट है, वो बोला भैया मेरा 10,000 करोड़ मतलब 6,000 करोड़ लगा, लेकिन मेरा कोयला का खर्चा जो आ रहा है वो आ रहा है। और ये लोग बिजली बेच रहे हैं, बोलते हैं भैया हमको 10 रुपये में 1 किलोवाट दो, 10 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए 1 रुपये में 1 किलोवाट हम आपको बेच रहे हैं, ग्रिड को बेच रहे हैं जो कि नेशनल ग्रिड है जिससे हम लोग कनेक्टेड हैं। तो ये सब कंपनी 1 रुपये में बेच रही है, तो आप आके गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते ना भैया हम 10 रुपये में तुमको पर किलोवाट देंगे। हाँ, अगर ऐसा होता है कि हाई प्राइस में मतलब जो प्राइस हाइक में बेचा जा सकता है बिजली, लेकिन वो तब होती है जब हाई डिमांड होती है। जैसे मान लीजिए डिमांड बहुत हो गया है बिजली का, सबके सब लोग AC चला रहे हैं और ग्रिड उतना नहीं हैंडल कर पा रहा है, मतलब पावर प्लांट्स का कैपेसिटी मैक्स आउट हो गया, मतलब 6,000 मेगावाट की कैपेसिटी की डैम थी, अब वो उतने पे चल रहा है, उससे ज़्यादा तो वो नहीं दे सकता। तो उस दरमियान गवर्नमेंट बहुत अलग अलग जगह से बिजली खरीद सकता है, जो कि महंगे में भी वो खरीदना चाहेगा कि भैया उसको चाहिए, अभी चाहिए तो वो लेगा। मतलब आप 10 रुपये में बेचो या 100 रुपये में बेचो, उसको खरीदना है, उसको चाहिए, नहीं तो ग्रिड शटडाउन हो जाएगा। तो वैसे केस में हो सकता है, लेकिन जनरली वैसा केस बहुत कम आता है, और अगर वैसा बार बार होने लगा तो सारे पावर प्लांट अपना कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। तो इस कारण से आपको ये समझना होगा कि जो भी प्लांट है, जैसे आपका हाइड्रो डैम है, आपका कोल पावर प्लांट है, वो सब का दाम अब बढ़ रहा है। हाइड्रो डैम का दाम इसलिए बढ़ रहा है कि डैम कोई सस्ता चीज़ है नहीं, प्लस उसका मेंटेनेंस, उसका जितना भी झंझट है वो, प्लस बारिश कम हो रही है तो, और पानी का भी लेवल घटते जा रहा है, तो गारंटी नहीं है कि हम लोग का हर टाइम हर गर्मी में उतनी बैलेंस मतलब उतना बिजली मिले, कई बार तो मतलब बहुत कम पावर मिलता है, तो उसका दाम बढ़े जा रहा है। फिर कोल का, तो कोल आप समझिए भले आप ग्लोबल वार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोल तो खत्म हो जाएगा ना, आप कोई भी खदान से निकाल रहे हो, ज़िंदगी भर तो नहीं निकाल सकते ना, मतलब 10-20 साल में तो खदान भी सूख जाते हैं, सूखते नहीं मतलब खत्म हो जाता है, आपको दूसरा खदान बनना पड़ता है, तो उनका दाम भी बढ़ते जा रहा है। तो ये दोनों का दाम बढ़ते जा रहा है और सोलर की टेक्नोलॉजी से दाम घटते जा रही है। तो अब ऐसा पॉइंट पर आएगा जहाँ इसका दाम बढ़ते जाएगा और सोलर का दाम घटता जाएगा, जैसे ये हो जाएगा, जिसको हम लोग पैरिटी कहते हैं, पैरिटी का मतलब हो गया बराबर, और प्रॉफिट पैरिटी का मतलब हो गया कि सोलर सस्ता पड़ रहा है। जैसे ये होगा सबको ही सोलर यूज़ करने लगेंगे, अभी ये ऑलमोस्ट पहुंच गए, 95% पहुंच गए कि मतलब सोलर प्लांट्स बनाना प्रॉफिटेबल अभी है, लेकिन टाइम लगेगा, मतलब 8 से 10 साल बाद आपका बिजली का प्रॉफिट आएगा। तो इसको सिमुलेट करने के लिए मतलब इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट हर कंट्री का लगभग टैक्स क्रेडिट देने लगा कि भैया आप ये प्लांट बनाइए, हम इस प्लांट का प्रॉफिट का चार्ज पे नहीं काटेंगे उतना, हम इस पे लैंड एक्विजिशन को टैक्स नहीं लगाएंगे, जो भी टैक्सेस हम बचा देंगे ताकि आप ये करो। क्योंकि अगर आप पैरिटी होने का इंतज़ार करेंगे कि ठीक है भैया हम तभी करेंगे जब ये हो जाए, उस दरमियान बिजली का दाम इतना बढ़ चुका होगा कि ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको बिजली चाहिए ये सब लगाने के लिए, आपको इंजीनियर्स चाहिए, और मतलब जो भी वर्कर्स हैं उनका जीना महंगा हो जाएगा क्योंकि बिजली बढ़ गई है, भाई बिना बिजली के तो रह नहीं सकते। तो इसलिए ये अभी करना बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट इसको समझ गई है तो टैक्स क्रेडिट दे रही है। लेकिन ये सब समझिए, ये सब कोई बात नहीं है, मतलब सोलर सेल लगाना, इन्वर्टर लगाना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है ज़मीन खरीदना। आपको जैसे मैंने 1 मेगावाट के लिए कम से कम 1 हेक्टेयर चाहिए, और आप जानते हैं हेक्टेयर काफ़ी बड़ी यूनिट है, तो लैंड जमीन जो खरीद रहे हैं उसका दाम बहुत महंगा पड़ता है। मतलब पूरे कैपिटल कॉस्ट में, मान लीजिए 100 करोड़ लगाया गया तो उसमें कहिए लगभग 60 से 65 करोड़ सीधा सीधा ज़मीन का लगाया गया होगा। अगर रेगिस्तान में तो दाम कम हो जाता है, लेकिन आपको ये समझ आ रहा है ज़मीन का कीमत बहुत महंगा है। तो लेकिन रेगिस्तान सब में सस्ते में मिलने लगा है, तो राजस्थान भी बहुत बड़ा बड़ा सोलर प्लांट बना रहा है। तो आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग कैसे, तो आने वाले टाइम में भविष्य में क्या होगा।
तो भविष्य में आपको ये समझना होगा कि हम लोग कोयला जिंदगी भर नहीं जला सकते भाई, खत्म हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। भले आप ग्लोबल वार्मिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खत्म जब हो जाएगा कोयला तब आप क्या करोगे? और आप बोलोगे नहीं हम दूसरा खदान खोलेंगे, ठीक है भाई, उसका तो खर्चा कहाँ से दोगे? और ये सब दाम बढ़ाते जाएगा और सोलर का दाम घटे जा रहा है। तो सोलर ऑलमोस्ट पहुंच गई है इस जगह पे जहां पे वो ऑलमोस्ट हो गए। विंड को अभी बहुत टाइम आने में, और विंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हर जगह नहीं लगाया जा सकता, और छोटा प्लांट पे तो वो एकदम इनफिशियंट होता है। मतलब आप बड़े बड़े प्लांट लगाए, मतलब बड़ा बड़ा टर्बाइन लगाइए तो बहुत इफिशियंट है, लेकिन छोटा टर्बाइन उतना इफिशियंट नहीं होता, तो बड़ा टर्बाइन लगाना पड़ता है, बड़ा बहुत महंगा होता है। तो विंड को आने में भी बहुत टाइम है, और विंड हर जगह काम भी नहीं करेगा। मतलब आपको जहां चाहिए उसका जगह है कैसा है, उसका विंड कैसा है, प्लस वो विंड जो है वो क्या एक ही डायरेक्शन से आ रहा है, क्योंकि आपका टर्बाइन सब नहीं रोटेट कर सकता है। टर्बाइन का सिर्फ कुछ एक्शन, मतलब कुछ डिग्री का ही हवा चेंज को हैंडल कर पाएगा, ज़्यादा नहीं चेंज कर पाएगा। मतलब हवा अगर दाएं बाएं से चलने लगा तो कोई काम का नहीं है। इसलिए सोलर बहुत इफेक्टिव है अभी, और दाम के मामले में भी प्रूव हो चुका है, टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, हम लोग करीब करीब 50-60 साल से इस पे काम कर रहे हैं। मतलब सारे चीज़ हो जाने के बाद यही हिसाब आता है कि सोलर, मतलब अगर राजस्थान का पूरा थार डेजर्ट जो है, पूरा सिर्फ डेजर्ट को हम लोग ले लिए भैया, पूरा डेजर्ट कवर कर दो, पूरा इंडिया का दिन भर का बिजली का खर्चा, रात भर का बिजली का खर्चा भी स्टोर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम अभी उतनी बड़ी बैटरी नहीं मिलती है जो जिससे आप ये पूरा ग्रिड लेवल का बिजली रोक सकें, स्टोर कर सकें। तो पूरा इंडिया का बिजली आप सिर्फ वहाँ से निकाल सकते हो। और आप कहोगे कि नहीं, एक ही जगह से इतनी बिजली डालना ग्रिड के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, अनबैलेंस हो सकता है, बात सही है। तो आप ऐसा कीजिए, कहीं कहीं और जगह भी है, कहीं कहीं और जगह जहाँ ज़मीन का कोई यूज़ नहीं है, कहीं कहीं और जगह जहाँ पे ज़मीन मतलब ऐसी पथरीली है जहाँ पे फसल नहीं उगती, तो उस जगह में यूज़ कीजिए। और कई सारे स्टेट्स कर रहे हैं, आपको छोटे छोटे प्लांट्स कई जगह मिल जाएंगे, जो 30 मेगावाट का है, कोई 50 मेगावाट का है, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स भी कई सारे हैं। इंडिया में कम से कम 4 से 5 प्लांट है जो 100 मेगावाट से ऊपर है, और इंडिया इसमें सबसे बड़ा है। मैं आपको लिंक दे देता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो कि 1000 मेगावाट का प्लांट है, 1000 मेगावाट का। और दूसरा अभी जो ताज़ा बना है, वो जिसकी नेशनल ज्योग्राफी की डॉक्यूमेंट्री भी बन गई है, वो आप नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, वो 600 मेगावाट का प्लांट है, लेकिन वो शायद सबसे बड़ा सिंगल यूनिट है। तो इसके बारे में आप देखना चाहेंगे, मतलब ये तरक्की हो रही है, काफ़ी स्पीड से हो रही है और और प्लस आगे चल के जैसे ही ये कॉस्ट पर रेडी हो जाएगा, कि जब सोलर सीधा सीधा सस्ता हो जा रहा है, मतलब सीधा सीधा सोलर से ही बिजली बनाना सस्ता पड़ रहा है, कोल को लोग रखेंगे भैया रात को पावर प्लांट चलाओ या शाम को पावर प्लांट चलाओ, या उसको बंद ही कर सकते हैं कि सीधे अगर अपना, क्योंकि हाइड्रो पावर से आप ये रोक सकते हैं, पावर प्लांट को आप रोक सकते हैं, आप उसका जो इनलेट है उसमें दरवाज़ा जनरली दिया जाता है, उसको आप बंद कर सकते हैं, या थोड़ा सा खोल कर रखिए कि दिन भर का जो मतलब थोड़ा फ्लक्चुएशन है वो हैंडल कर रहा है, और रात में पूरा खोल दीजिए कि आराम से चलेगा। मिक्स्ड यूज़ और पॉपुलर होने लग जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़मीन का दाम बहुत पड़ता है, हमारे गुजरात में ये प्लांट लगाया गया था जो इंडिया का पहला कनाल टॉप सोलर पावर प्लांट था। बेसिकली ज़मीन तो इन्होंने खरीदी ली, सरकार ने ही कनाल बनाया, सरकार के पास पहले से ही कनाल है, कनाल का ज़मीन खरीदा जा चुका है, ज़मीन के सारे कागज पत्र हो चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है, ज़मीन का खर्चा इनका फ्री। फिर इन्होंने सोलर सेल ऊपर लगा दिया, थोड़ा सा मेहनत महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब इतने सारे स्टील गर्डर लगाने पड़ रहे हैं, फ्री नहीं है, सस्ता नहीं पड़ता है, महंगा पड़ रहा है। लेकिन इससे दो फायदा हो रहा है, पहला तो बिजली मिल रही है सो बढ़िया है, लेकिन नीचे पानी बहने से सोलर सेल जो है वो ठंडे रहते हैं, ठंडे रहने पर ज़्यादा बिजली देंगे, वो बेनिफिट। दूसरा, चूँकि ये पानी ढका हुआ है, मतलब 1 किलोमीटर के लगभग का एरिया है ये जो पानी ढका हुआ है, उस दरमियान धूप सीधे ना पड़ने से पानी उबल नहीं रहा है, मतलब भाप बन के उड़ नहीं रहा है, तो इससे पानी भी बचता है। तो समझिए, पानी बच रहा है, बिजली मिल रहा है, और ज़्यादा बिजली मिल रहा है, कि यही सोलर सेल कहीं और लगा देते तो उससे ये ज़्यादा बिजली मिल रहा है। तो ये सब मिला के मिक्स्ड यूज़ बनाने से बहुत फ़ायदा होता है, और ये शायद आगे हम पता नहीं, आजकल ध्यान लोगों का हट गया इस प्लांट से, ये बहुत पहले बनाया गया था, तो देखना पड़ेगा कि इसका क्या होगा, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर एक आता है एग्रीकल्चर में यूज़ करना, कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर जगह बर्जर ज़मीन नहीं है, हर जगह ऐसी ज़मीन नहीं है कि जो मतलब आप दे दोगे किसी सोलर सेल के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं जहां लोग ऐसा फसल उगाते हैं जिसे सीधा धूप पसंद नहीं है, या मतलब सीधा धूप शेड में ही वो छाँव में ही ज़्यादा अच्छा उगता है, तो उस तरह के चीज़ों को आप इसके नीचे उगा सकते हैं, सोलर पैनल्स के नीचे आप आराम से उगा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका भी दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको इतने इतने पिलर चाहिए होंगे जो उसको उतना ऊपर रख सके, लेकिन जो चीज़ ठंडे माहौल में छाँव में अच्छे से उगता है वो अच्छे से उगेगा। तो इसको हम लोग मिक्स्ड यूज़ टाइप कहते हैं, ये आने वाले भविष्य में बहुत इस्तेमाल होगा और बहुत जगह आपको दिखेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोलर पावर प्लांट के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो, अगर वैसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कमेंट लिखेंगे कि आगे आप क्या देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, हम वीडियो डेली बनाते हैं, आपको पता चलता रहेगा, और देखने के लिए धन्यवाद।